हाय गुड मॉर्निंग। कल के एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि नागपाश में राम और लक्ष्मण किस तरह बंधे हुए हैं। ये नाग जो थे वो नकली थे, कपड़े के बनाए गए थे। उनके ऊपर जो प्रिंट था कपड़े का वो सांपों के शेप का था। इसके अलावा जब गरुड़ देवता आते हैं और उन नागों को काटते हैं तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे असली सांप जो है हमारे शरीर पर से इधर उधर से निकल रहे हैं। ये कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये असली सांप हमारे शरीर पर छोड़े गए थे, पर असली छोड़िए नकली भी नहीं थे। ये पूरा का पूरा शॉट अलग से किया गया था, पर हमें जो यूनिट के लोग थे और खास करके सागर साहब के बड़े बेटे थे, उन्होंने ये फैला दिया था कि ये असली सांप जो है वो हम लोगों के ऊपर छोड़े जाएंगे। तो थोड़ा सा लगा कि भाई असली सांप है, छोड़े जाएंगे, कभी कोई काट ले, कभी इधर उधर कहीं घुस जाए तो तो इसलिए मैंने जाके सपेरे जो आए हुए थे उनसे बात की, तो उन्होंने कहा नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए। तो मैंने सागर साहब से भी पूछा, सागर साहब ने कहा कि डोंट वरी, वो हम अलग से करने वाले हैं शायद। ठीक है, एक्चुअली वो शॉट जो है क्रोमा में किया था, सांपों को क्रोमा में सब छोड़ दिया गया था और इधर उधर वो भाग रहे थे, वो शॉट पूरा का पूरा हम लोगों के ऊपर पेस्ट कर दिया गया, इस तरह से वो शॉट कंप्लीट किया गया था। तो जो लोग प्रैंक करना चाहते थे वो प्रैंक उनका फेल हो गया। हमारे लोगों ने सोचा कि हमारे ऊपर प्रैंक करेंगे और हम लोग भी डर जाएंगे। और खास करके इसमें मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर, कि सुग्रीव साहब भी इन्वॉल्व थे, कि वो चाहते थे कि उन्हें हमने काफी परेशान किया था ना, तो वो चाहते थे कि कुछ हमें भी परेशान किया जाए, पर ये पूरा का पूरा जो प्रैंक था वो फेल हो गया। यानी भी आप रामायण देखते रहिए, रामायण से रिलेटेड कुछ और मैं इंटरेस्टिंग किस्से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। टेक केयर।